चलिए भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी में। आज हमने कहा था कि आपको हम 27 मार्च के करंट अफेयर प्लस 28 मार्च के करंट अफेयर्स दोनों प्रेजेंट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था जिसका सही आप लोगों ने आंसर दे दिया था, उज्बेकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है आपको पहला क्वेश्चन, हाल ही में बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो वहीं किया जाएगा जहाँ पे SDG ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिटी को चुना है। वो क्या हो जाएगा आपका? शिमला। ध्यान रखिएगा, शिमला में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर बाइसिकल मोटर क्रॉस के लिए जो है कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और कुछ डिटेल्स देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश की बात हुई तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित किस शहर में पहला जैव विविधता पार्क खोला जाएगा? आपको बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे खोला जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में पहले बुनकर सेवा डिजाइन सेंटर की स्थापना करी गई? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला मॉन्ग फ्रूट यानी भिक्षु फल उत्पादन कहाँ पे होगा? तो हिमाचल प्रदेश में। प्लस अगर पूछा जाएगा दालचीनी की ग्रुपिंग खेती कहाँ पे होगी? यहीं पे होगी। ठीक है, हींग की खेती कहाँ पे होगी? यहीं पे। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से नवाजा गया? तो वो भी क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? इन विच सिटी हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द विप्लोबी भारत गैलरी रिसेंटली? कोलकाता, पटना, गुवाहाटी या फिर इंदौर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा कैलकाटा। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कुछ और डिटेल्स ले लेते हैं। भारतीय रेलवे ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा करी? तो वो कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस शहर में राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? तो वो नागपुर हो जाएगा। किस शहर में IBM ने पहला साइबर सुरक्षा केंद्र खोलने की घोषणा करी? तो वो हो जाएगा बेंगलुरु। और पहला ड्रोन मेला प्लस ड्रोन स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो दोनों ही क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा ग्वालियर। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए चार देशों में शामिल नहीं है? तो देखिए, ये पहले तो कराया किसके जा रहा है, किसके तरफ से कराया जा रहा है? तो ये कराया जा रहा है मलेशिया के तरफ से। किसके तरफ से कराया जा रहा है? तो ये मलेशिया की तरफ से कराया जा रहा है कंट्री। और इसका अगर पूछा जाएगा आपको कि कौन कौन इसमें शामिल है, मतलब इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो मैं चारों बता देता हूँ कौन कौन शामिल है। पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और UK शामिल है। बसता कौन है? तो बसता है आपका इंडिया। तो इंडिया इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और उसके अलावा हाल ही में 46 देशों में नौसैनिक युद्ध अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी किस देश ने करी? भारत ने करी। ठीक है, किस देश के बीच इक्वेरियन? तो इक्वेरियन जो होगा वो किसके साथ होता है? मालदीव के साथ होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास आयोजित किया गया? तो ओमान होगा। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया गया? तो वो इजराइल हो जाएगा। इसराइल के PM मैंने आपको बता रखा है, नफ्ताली बेनेट PM हो जाएंगे, आइजेक हर्जोग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया? तो वो किया जाएगा दोस्तों आपका हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, फिक्की और विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ, नागरिक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका जो है कि हैदराबाद में, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में ड्रेजिंग म्यूजियम खोला? विशाखापत्तनम। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया? गुरुग्राम। किस शहर में भारतीय रेलवे ने पॉड रिटायरिंग रूम खोला? मुंबई। IBM द्वारा किस शहर में पहला साइबर सुरक्षा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु। ठीक है, हाल ही में इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको कि इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं आपके पास हैदराबाद, मुंबई, विशाखापत्तनम या जयपुर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा जो है विशाखापत्तनम, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किस शहर में स्थापित जैव विविधता पार्क को नामित किया गया? वो गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी शुरुआत करी गई? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, कैरियन काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? वो बीकानेर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा बायोसेंटी प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा? तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा इंदौर। ठीक
ठीक है। हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? अशोक भूषण, विकास भारती, दिनेश पंत या फिर हिसाकी तेकुची? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके हिसासी तेकुची, ठीक है। और 1982 में स्टैब्लिश हुआ था ये। और आईबीएम के अगर सीईओज की बात करें, अरविंद कृष्णा, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, इन्फोसिस के सलील पारेख, पतंजलि के आचार्य बालकृष्णा, भावेश अग्रवाल ओला के, उबर का पूछा जाएगा तो दारा खोसरोशाही हो जाएंगे, यूट्यूब के सूजन वंजाई के, और एडम मोसेरी किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे इंस्टाग्राम के, जबकि पराग अग्रवाल ट्विटर के हो जाएंगे। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया? विच बैंक है रिसेंटली लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, डीएसबी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएसबी बैंक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। उसके अलावा लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? पश्चिम बंगाल। किस बैंक द्वारा शिक्षा इस अभियान शुरू किया गया? मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको, पंजाब नेशनल बैंक। मॉड्यूल ऐप पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक ने मोस्ट इनिशिएटिव बेस्ड प्रैक्टिस 2021 CSIDX अवार्ड जीता? HDFC बैंक। मुंह बंद रखो कैंपेन कहाँ किसके द्वारा? तो वो भी HDFC बैंक के द्वारा ही शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? रमेश मूर्ति, सुचित्रा के अल्ला, विनोद जी खंडारे या वेंकट रमन अनंत नागेश्वर? तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? विनोद जी खंडारे, ठीक है। और LIC चेयरमैन देखिए यहाँ पे दिया गया कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अमर कुमार। प्रेसिडेंट ऑफ इटली सर्जियो मैटरेला, जबकि अगर पूछा जाएगा कि जो है कि इटली के PM कौन हो जाएंगे, तो मारियो द्रागी हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल JV रेड्डी किसके हेड हुए हैं? तो DIA के हो गए हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पूछा जा सकता है। अनुमदन मोहन त्रिपाठी पूछा जाएगा तो NERED के डायरेक्टर हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपको आंसर देना है कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कल मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ इसका सही आप आंसर देंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को शेयर करेगा। प्लस मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अन अकेडमी पर मेरी फ्री क्लासेज ज्वाइन करने के लिए आपको ये कोड दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के, फिर कोड दिख रहा होगा Vimlesh@14, इसको यूज़ करिए जहाँ पे एप्लीकेशन खुल जाएगा। इन फ्यूचर आपको कभी प्लस लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लस में बेनिफिट्स में बता देता हूँ कि टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस प्रेजेंट किए जाते हैं आपको। प्लस वहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डॉक्टिंग सेशंस, अनलिमिटेड ई नोट्स, ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। प्लस रेज हैंड का ऑप्शन है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, कोड वही यूज़ करना है Vimlesh@14, जिसको किसी भी कैटेगरी में यूज़ करने पर आपको 20% का ऑफ हो जाएगा। रेलवे एग्जाम सब्सक्रिप्शन जो है कि 12 महीने के लिए या किसी भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, सेम कोड Vimlesh@14 ही यूज़ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।